गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व क्या है, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व की आवश्यकता क्यों है, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व कैसे कार्य करता है। इसे समझने के पहले हम एक सामान्य वेल्डिंग प्रोसेस देख लेते हैं कि आखिर वेल्डिंग होता कैसे है। दो तरह के वेल्डिंग करते हैं हम नॉर्मली, हाई प्रेशर वेल्डिंग और लो प्रेशर वेल्डिंग। हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व जो है वो लो प्रेशर वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। तो लो प्रेशर वेल्डिंग आखिर होता कैसा, देखिए एक डायग्राम है, एक चित्र दिया हुआ है विदाउट हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व। सामान्य प्रोसेस क्या है वेल्डिंग करने का कि हमारे पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जिससे हम ऑक्सीजन लेंगे और एक जनरेटर होगा जिससे हम एसिटिलीन गैस जनरेट करेंगे। तो क्या प्रोसेस होता है, हम इस एसिटिलीन जनरेटर से एसिटिलीन गैस लेते हैं होस पाइप के द्वारा, इस ऑक्सीजन सिलेंडर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसको दोनों को लाके ब्लो पाइप में कनेक्ट करते हैं, ब्लो पाइप में दोनों गैस मिक्स होते हैं, इसके बाद हमें इस नोजल तक प्राप्त होता है, यहाँ पे इग्नाइट करके हम वेल्डिंग करते हैं। तो ये एक सामान्य प्रोसेस है कि वेल्डिंग करने के लिए, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ये है लो प्रेशर वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। इसमें जो है ऑक्सीजन जो है ये हाई प्रेशर में होता है, इसका जो ये जो सिलेंडर है ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में 120 से 150 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर का दाब होता है इस सिलेंडर में, और ये जो लो प्रेशर है इसमें 0.17 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर का दाब होता है। ठीक है, हमारा नोजल है और ये हमारा ब्लो पाइप है। तो इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक ऑक्सीजन कनेक्शन के लिए होता है और दूसरा जो है एसिटिलीन गैस कनेक्शन के लिए होता है। तो ये जो रेड मरून कलर का जो दिख रहा है ये एसिटिलीन गैस होस पाइप कनेक्ट किया गया, और ये जो ब्लैक कलर का ये ऑक्सीजन गैस होस पाइप कनेक्ट किया गया। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से होकर यहाँ तक ये मिक्सिंग चैम्बर में आता है, और ये जो एसिटिलीन है वो यहाँ से होकर इस पाइप के द्वारा यहाँ तक हमको मिलता है। यहाँ पे दोनों मिक्स होते हैं एक निश्चित रेशो में, इसके बाद फिर हमें ये नोजल तक आता है, और ये जो नोजल है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये था हमारा एक सामान्य प्रोसेस वेल्डिंग करने का। अब हम देखते हैं कि आखिर ये हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व क्या है। यह एक सुरक्षा यंत्र है जो वेल्डिंग के समय होने वाले बैक प्रेशर अथवा बैक फायर को एसिटिलीन गैस जनरेटर तक जाने से रोकता है। ये क्या है, सुरक्षा यंत्र यानी कि सेफ्टी डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है किसी खतरे से। बैक प्रेशर मतलब कि जो प्रेशर, चूंकि ये जो ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में भरा हुआ है तो ये क्या होता है कभी कभी रिटर्न कर जाता है लो प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर यहाँ पे कौन सा है, लो प्रेशर है एसिटिलीन गैस, तो उधर तरफ ये बैक कर जाता है, इसलिए इसे बैक प्रेशर कहते हैं, बैक फायर या फिर इसको फ्लैश बैक भी कहते हैं। तो ये अगर नोजल बंद हो जाए तो ये जलती हुई जो फ्लैश है कभी कभी ब्लो पाइप के अंदर चला जाता है, तो इसे हम बैक फायर कहते हैं। अब देखिए इसकी आवश्यकता है क्यों, अभी हमने वेल्डिंग सामान्य प्रोसेस देखा है, फिर हम यहाँ पे जो लो प्रेशर सिस्टम है इसमें हम हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व आकर लगा क्यों रहे हैं। तो देखिए लो प्रेशर वेल्डिंग सिस्टम में हमेशा ही ऑक्सीजन का दाब उत्पादित एसिटिलीन के दाब से अधिक होता है। देखिए जब हम लो प्रेशर वेल्डिंग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है हमारे पास जो जनरेटर है वो भी लो प्रेशर का, वो मैक्सिमम 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब जनरेट करता है। ठीक है, तो ये लो मीडियम प्रेशर का सिस्टम है, लो प्रेशर में 0.17 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर का दाब होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 120 से 150 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो बहुत ज़्यादा दाब है। तो यहाँ पे आप क्या करना चाह रहा है कि उत्पादित एसिटिलीन का जो दाब है वो कम होता है और ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। वेल्डिंग के समय बैकफायर या नोजल क्षेत्र के बंद होने के कारण उच्च दाब ऑक्सीजन ब्लो पाइप के एसिटिलीन मार्ग से होकर एसिटिलीन जनरेटर में प्रवेश कर जाता है और जनरेटर फट सकता है। देखिए हमने अभी देखा था कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में भरा हुआ, इसमें ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में, तो कभी कभी क्या होता है कि वर्क करते वक्त ये ओवरहीटिंग या फिर यहाँ पे ये जो नोजल है इसको वर्क में टच करने पर इसके जो छिद्र हैं ये वाले, ये जो छिद्र है ये बंद हो जाते हैं, जो यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू है, तो ये छिद्र बंद होने की वजह से कभी कभी ये बैक फायर हो जाता है और बैक प्रेशर भी होता है, जिसके वजह से ये जो ऑक्सीजन है वो एसिटिलीन मार्ग से होकर एसिटिलीन जनरेटर तक चला जाता है जिससे फटने का डर रहता है। तो उच्च दाब ऑक्सीजन को जनरेटर में प्रवेश होने से रोकने के लिए एसिटिलीन पाइपलाइन में ब्लो पाइप और जनरेटर के मध्य हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व लगाया जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है हाई प्रेशर ऑक्सीजन ये एसिटिलीन जनरेटर में न जाए, इसलिए हम क्या करते हैं कि एसिटिलीन पाइपलाइन में
कि ये जो पाइपलाइन है एसिटिलिन वाला, उसमें हम ब्लो पाइप और एसिटिलिन जनरेटर के मध्य हम हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व लगा देते हैं, जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए देखते हैं। यह एक बेलनाकार यंत्र है जो 250 मिलीमीटर लंबा तथा जनरेटर के अनुसार यह 50 से 100 मिलीमीटर व्यास का हो सकता है। देखिए डायग्राम बना हुआ है, इसकी लंबाई देखिए 250 मिलीमीटर है और ये चूंकि बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो इसका जो डायमीटर है वो 50 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा जनरेटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक सिलेंडर है, इसमें एक पाइप आया हुआ है, ये पी, ये जो पाइप है एक पी बीचों बीच डला हुआ है। इसके सबसे नीचे वाले पॉइंट में ये जो 1 2 3 4 5 6 जो गोले गोले दिख रहे हैं, जिसको हम बेफल प्लेट कहते हैं, इसका काम है वेलोसिटी को कम करना। ये पानी भरा हुआ है, इसका जो पानी है वो लेवल डी तक भरा हुआ है। ये जो लेवल डी दिख रहा है, नल टाइप का, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। इस पानी के जो तल को हम ए कहेंगे और ये जो एक वेंट पाइप लगा हुआ है ये वी, इसमें भी इस लेवल तक पानी है। यहाँ से ये जो गैस है ये बाहर तरफ आने के लिए है। इसमें एक पाइप आउटलेट पाइप है आर, ये इनलेट पाइप पी है और ये आउटलेट पाइप आर है। इनलेट पाइप मतलब जहाँ से गैस अंदर आएगा, आउटलेट मतलब जहाँ से गैस बाहर जाएगा। ये जो आउटलेट पाइप आर है, इसमें एक वाल्व लगा हुआ है एस, ऑन ऑफ करने के लिए। उसी तरह से इनलेट पाइप पी जो है उसमें भी एक वाल्व टी लगा हुआ है, जिससे हम बंद चालू कर सकते हैं। चलिए इसे कार्यविधि देखते हैं कैसे काम करता है। यह बेलनाकार यंत्र पानी से भरा होता है। पानी वेंट पाइप वी के द्वारा लेवल डी तक भरा जाता है, जैसे अभी हमने देखा। जनरेटर से उत्पादित गैस को इनलेट पाइप वाल्व के टी के माध्यम से यंत्र में लाया जाता है। किसके माध्यम से? हम टी वाल्व जो है उसको ओपन करेंगे तो गैस आएगा, जो मध्य में लगे पाइप पी के द्वारा सीधे नीचे आता है। यहाँ से बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर आता है और आउटलेट पाइप आर और वाल्व एस से होकर ब्लो पाइप तक पहुंचाया जाता है। पाइप पी के सबसे निचले वाले भाग में एक बेफल प्लेट लगा होता है। ठीक है, ये जो इनलेट पाइप है, यहाँ पे एसिटिलीन जनरेटर्स का जो आउटलेट पाइप है उसको हम यहाँ पे इसके इनलेट पाइप में कनेक्ट करेंगे, तो वहां से गैस आने लगेगा। ये हम टी ओपन कर लेंगे, टी वाल्व जो है इसको ओपन करेंगे तो गैस एकदम नीचे की तरफ आएगा, बेफल प्लेट से होकर निकलेगा। इसके बाद फिर ये जो पानी है, पानी के अंदर से बुलबुले के रूप में बाहर निकलेगा। ये गैस बाहर निकला और ये आउटलेट पाइप, यहाँ से हम ब्लो पाइप के लिए एसिटिलीन गैस होस कनेक्ट करते हैं, होस मतलब पाइप। ठीक है, और ये वाल्व खोलने पर ये गैस उधर ब्लो पाइप तक जाएगा। अब अगर बैक फायर की स्थिति बनती है, जब बैक फायर या फ्लैश बैक की स्थिति निर्मित होती है, तो पानी के तल ए में दबाव पड़ने लगता है। देखो, जब ऑक्सीजन बैक करेगा तो हाई प्रेशर ऑक्सीजन है, तो दबाव डालेगा पानी के सरफेस पर, तल पर, जिससे पानी वेंट पाइप वीक में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। और यह तब तक बढ़ता है जब तक कि होल एच ना खुल जाए, और इस तरह से जलती हुई गैसें या बैक प्रेशर वेंट पाइप वी से होकर वातावरण में चली जाती है और इन्हें जनरेटर में जाने से रोक लिया जाता है, जिससे कोई खतरे की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। देखिए क्या होगा कि अगर, देखिए अब हम देखते हैं कि क्या होगा अगर बैक फायर होता है ना, प्रेशर बैक होता है, तो ये जो ऑक्सीजन है हाई प्रेशर, ये क्या करेगा, यहाँ से होकर रिटर्न करेगा और एसिटिलिन होस के अंदर से होकर सीधे हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व तक आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर, यहाँ पे जो पानी भरा हुआ था उसके तल पर दबाव देगा। ठीक है, इसके पानी, ये जो पानी का तल है इस पर दबाव देगा, तो ये पानी का तल नीचे की तरफ जाएगा और इस वाले पाइप में ऊपर की तरफ भरने लगेगा। उसी तरह से इस वाले पाइप में भी ऊपर की तरफ पानी भरने लगेगा। ऐसे इसने दबाव दिया तो पानी का तल नीचे आता गया, नीचे आता गया, ये वाले पाइप पी में तल ऊपर जाता गया। उसी तरह से वेंट पाइप में भी पानी ऊपर जाता जाएगा। अब ये धीरे धीरे ये जो पानी है ये यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और ये कुछ पानी इस पाइप में ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। अब ये तब तक आएगा जब तक कि ये वाला जो एच होल है ये खुलना चाहिए। जैसे ये खुलेगा देखिए क्या होगा कि ये पाइप पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि कुछ पानी तो बाहर आ गया और जो पानी बचा वो नीचे तरफ आ जाएगा, क्योंकि पानी दबाव की वजह से ये पानी पाइप पी में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जब ये पाइप पूरा खाली हो जाएगा तो हमारी जो गर्म गैसें जो फ्लैश बैक की वजह से आई हैं, या फिर जो हाई प्रेशर ऑक्सीजन है, वो सीधे इस वेंट पाइप के माध्यम से वातावरण में छोड़ दी जाएगी और इस तरह से इन गैसों का एसिटिलीन जनरेटर गैस में जाने से रोक लिया जाएगा। इस तरह से हम बैक प्रेशर से या फ्लैश बैक से हम बच जाते हैं और इस तरह से हमारा हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व एसिटिलीन जनरेटर को
फटने या नुकसान होने से बचा लेता है। तो ये था हमारा हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमने इसके पहले वाटर टू कार्बाइड और कार्बाइड टू वाटर एसिटिलीन गैस जनरेटर का वीडियो भी डाला हुआ है, मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। उससे देखने के बाद इसको समझना और भी आसान हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, हम ITI का पूरा सिलेबस इसमें कवर करेंगे इसी तरह के वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू।